तो कैसे हो दोस्तों, एक बार आप फिर सबका लेट्स स्टडी टुगेदर पे स्वागत करता हूँ। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे हैं एंड सभी के फैमिली वाले भी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको अभी भी पता है कि कोरोना की बीमारी से हमारी लड़ाई अभी भी चालू है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। एंड एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलो और किसी अनचाही वस्तु को छूना नहीं है। एंड जब से वापस घर पे आओ तो आते ही साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने हैं। तो बिना वक्त गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज देखेंगे हम 5 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नोक, एक बार देखना, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नोक बिल्ड ए डोर। अगर हम बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, यार मौका नहीं मिला मुझे, सबसे ज्यादा कहते हैं यार अवसर ही नहीं मिला काम करने का, मैं ऐसा सोचा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो अगर मौका नहीं मिल रहा ना दोस्त, तो आपको यह है कि आप अपनी किस्मत का दरवाजा खुद बना दो। मौके नहीं मिलते, वो कहते हैं ना क्या क्या पता भगवान मेरे भरोसे बैठा हो। माझी मूवी तो देखी हुई ना, तो उसमें यही है, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि वो दरवाजा बनाएगा और उस दरवाजे से बहुत लोगों को मतलब रोशनी जाएगी। तो आप दरवाजा ऐसा बना दो तो आप बहुत सारे लोगों को मतलब उससे बेनिफिट दे सको। और हमेशा याद रखना, एक तो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का सहारा लेते हो ना, वो बंदे ज्यादा ऊंचे नहीं जाते, मैं पहले बता रहा हूँ। और जो खुद दरवाजा बना के आगे चलते हैं, खुद रास्ता बनाते हैं ना, वो लंबे दूर तक चलते हैं आगे, ठीक है, और उनको दुनिया याद करती है, ठीक है। तो आप उस दिन ये चीज़ समझ लेना कि लोग आपका अनुसरण करने लग जाएं, आपकी नकल करने लग जाएं, तो ये पक्का सोच लेना कि आप सफल होने लग गए हो। तो इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो अपने क्या है लिए दरवाजे खुद बनाना शुरू कर दीजिए। तो चलो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे आपका, तो कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा था सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये त्रिपुरा में लोकेटेड है। ये कल क्या न्यूज़ थी आपको पता है, कल वर्ल्ड लियोपार्ड क्लाउडेड लियोपार्ड डे था, तो उसके संदर्भ में था कि भारत में एक ऐसा कौन सा पार्क है, वहाँ पे एक नेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में, जो कि सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब स्थित है। तो इसीलिए ये पूछा गया था आपसे। प्रेस नोट 3 ऑफ 2020 जो रिगार्डिंग FDI था, FDI के कुछ नॉर्म्स चेंज किए गए थे जब चाइना ने ना इंडिया की जो कंपनी है उसमें FDI से शेयर, उनको शेयर खरीदने लग गया था, तो हमने FDI का जो नॉर्म्स थे उसको प्रेस नोट 3 से क्या है उनको चेंज किया था, कि जो भी इंडिया के साथ जो बॉर्डर से टच कर रही हैं वो कोई भी अभी डायरेक्ट शेयर को खरीद नहीं पाएंगी। अब क्या है आपको वो चीज़ें क्या है गवर्नमेंट के रूट थ्रू हो जाना पड़ेगा, लेकिन इस प्रेस नोट से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को गवर्नमेंट के रूट से ही आना होता था FDI कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये दो चीज़ याद रख लेना कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले भी थे, ये नहीं है कि अभी हुआ है बॉर्डर कंट्री में, बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले भी थे। FDI लिमिट हाइक की गई थी डिफेंस सेक्टर में, कितनी की गई तो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, रेड में आ गया नहीं, ये पहले 49% थी और अभी 75% इंक्रीज कर दी गई है। तथा अभी क्या है डिफेंस का जो प्रोडक्शन का एक नया पॉलिसी तैयार किया गया ना, कि हम यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे हमें सेल्फ डिपेंडेंस होना है और तथा एक्सपोर्ट भी करना है डिफेंस का। तो इसीलिए क्या है हम मेक इन इंडिया पे ध्यान रखें, बाहर की कंपनियों से इंपोर्ट ना करके उनको कंपनियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ताकि क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। इंडिया वांट्स टू अचीव टर्नओवर बाई 1,75,000 करोड़ इन एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कब तक ये इतना टर्नओवर अचीव करना था हमें, तो 2025 तक ये टर्नओवर अचीव करना है। तो इसमें 35,000 करोड़ का हमें एक्सपोर्ट भी शामिल किया गया है, कि हम 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर देंगे जो कि होगा 5 बिलियन के लगभग। नेक्स्ट न्यूज है MSME सक्षम फॉर MSME इंटरप्रेनर्स, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस का इनिशिएटिव था, तो ये इनिशिएटिव था वंजना भारती सॉरी वंजना भारती का ये इनिशिएटिव था। अब इसमें अंदर क्या होता है कि हमें जो साइंस की एजुकेशन है ना उनको बच्चों के अंदर, उन साइंस की एजुकेशन को बच्चों के अंदर मतलब उनको इंकलकेट करना है, उनको उत्साहित करना है कि साइंस की एजुकेशन हो और साइंस के प्रति उत्साहित करना है बच्चों की, साइंस की एजुकेशन हर जगह वो मतलब इम्पार्ट करें, उनको बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और स्कूलों में भी साइंस की जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा थोड़ा हम उस पर जोर देंगे। और इसी के खातिर हमने क्या नई एजुकेशन पॉलिसी भी मतलब बनाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा गया था अगाती आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी, तो ये अगाती आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, लक्षद्वीप है। अभी क्या NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ जो साउथ बेंच है उसने स्टे लगाया था वहाँ पे, जो नारियल के पेड़ काटे जा रहे थे
उनके रिगार्डिंग में, तो ये थोड़ा सा पूछा सकता है। अगाती आइलैंड, और दूसरी और याद रख लेना, अगाती आइलैंड इज ए कोराल आइलैंड, ठीक है, कोराल रीफ से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम और वर्ड अगेंस्ट टेराफिकिंग, जो वर्ड डे था अगेंस्ट टेराफिकिंग। तो ये थीम जो पहले जो मैंने न्यूज़ कवर की थी उसमें बताई नहीं थी, क्योंकि उस समय तक थीम मतलब न्यूज़ में आई नहीं थी, तो मुझे भी नहीं पता चला, तो अभी बता देता हूँ। कमिटेड टू कोज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये कमिटेड टू कोज भी ये मतलब किसके इर्द गिर्द घूम रही है, कि ये जो लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना, जैसे कोई लोग हो गया, उनको पता चल रहा है कि आप अपने आप को लीजिए, आपको पता चला कि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, मतलब आप किसी के फोर्स लेबर हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो आपने जाके कुछ एनजीओ को बता दिया, आपने जाके किसी को क्या कर दिया, पुलिस को बता दिया, तो यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और आपको पता है जो इलीगल काम होते हैं ना, वो जब रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना उस समय ज़्यादा होते हैं, जैसे कोरोना वायरस का चलते हुए जब सब रिस्ट्रिक्शन थे, तो ऐसे जो इलीगल काम होते हैं ज़्यादा होते हैं। और जबकि इनका क्या इफेक्ट क्या हुआ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पे पड़ा वो ये रिपोर्ट नहीं कर पाए। ऐसे ही आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अभी पता है रिसेंटली, इससे अनरिलेटेड नहीं लेकिन बताता हूँ, कि जो पोचिंग एक्टिविटी होती है, जो बैन की हुई है, जो इलीगल ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, वो भी जो ये जब जब से ये हुआ है जो कोरोना वायरस का, उस समय से बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई है। तो कहा जाता है ना कि ताला होता है ना वो चोर साहूकार के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता। ताला साहूकार तोड़ चोर तो ताला तोड़ लेता है, तो वही बात है, जो चोर जो इस रेस्ट्रिक्शन को देख के इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। जो पुलिस जो आम जनता को रोकने में लगी हुई थी उस समय, वो कुछ लोग इलीगल ट्रैफिकिंग का काम कर रहे थे, जैसे आप वाइल्ड लाइफ में देख लीजिए। नेक्स्ट है, सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ वेपनरी आफ्टर सऊदी अरब का, जो सेकंड लार्जेस्ट बायर कौन है जो वेपन का वर्ल्ड में, सऊदी अरब के बाद में, जो वो है इंडिया। सबसे ज़्यादा हम बाहर से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। तो चलो अभी आज की न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एंड श्रीमती स्मृति ईरानी लॉन्च ए बुक स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये याद रख लेना, स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक है जो कि क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया। इसमें 35 में से 35 जो निबंध है उनके थ्रू स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया। तो ये बुक ज़्यादा कुछ नहीं है, जो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन थी किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा लिखी गई थी, एडिटेड श्री परमेश्वर अयम, ये जो सेक्रेटरी हैं वाटर एंड जो वाटर मिनिस्ट्री में है सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी। उसी का ये क्या है, हिंदी वर्जन है, उसी को पब्लिश किया। तो आप याद रख लेना कि जो स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन है उसका हिंदी वर्जन है स्वच्छ भारत क्रांति। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ग्लोबल मिथेन बजट रिलीज बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। जो ग्लोबल मिथेन प्रोजेक्ट बजट है वो रिलीज किया गया है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के थ्रू। तो पहले देख लेते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट क्या है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू क्वांटिफाई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एंड एमिशन दियर काज। वो क्या है, पता चल जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन कहाँ से होता है, क्या क्या रीजन है, उसके बारे में पता लगाता है। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में। इट्स प्रोजेक्ट इंक्लूड ग्लोबल बजट फॉर थ्री डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये तीन दो डोमिनेंट जो ग्रीन गैस हाउस गैसेज है उनके बारे में बजट तैयार करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड के, तो इसके बारे में ये तैयार करता है। तो अभी देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। ग्लोबल एनुअल मीथेन एमिशन इन 2017, मतलब 2017 में जो ग्लोबल मीथेन का एमिशन था वो लगभग 9% ज़्यादा बढ़ गया था 2006 और 2006 के बीच से लेके 2017 में, मतलब ये 10-15 साल में ये 9% ज़्यादा बढ़ चुका है। तो और बाय द एंड ऑफ 2019, मतलब हो चुका है, ये पहले की रिपोर्ट थी ना, तो बाय द एंड ऑफ 2019 जो प्रेजेंटेशन ऑफ मिथेन है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है ठीक है, प्रेजेंटेशन देख लीजिए, कि मिथेन का जो एटमोसफेयर में जो एक कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन ऑफ एटमोसफेयर विल बी 1875 पार्ट्स पर बिलियन, कि 1875 जो पार्ट्स हैं पर बिलियन, ठीक है, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, पर बिलियन, बिलियन BILION, ठीक है, पर बिलियन है। तो हाउ टू इंक्रीज, तो एग्रीकल्चर एंड वेस्ट कंटेंट्स होते हैं, तो मीथेन क्या होती है, जो फॉसिल्स होता है एग्रीकल्चर हर चीज़ में से मीथेन निकलती रहती है ना, तो ऐसे इसीलिए पता है आपको, पता है कहीं भी आप जाते हैं, हम मार्स मिशन पे तैयारी कर रहे हैं, मून पे तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ खोजते हैं वहाँ पे, मीथेन गैस खोज जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्टली क्या है और इनडायरेक्टली क्या है, जीवन से संबंधित है। तो इसलिए आप भी न्यूज़ न्यूज़ बार बार सुनते हो कि वहाँ मीथेन गैस के पता लगाने के लिए रोवर भेजा गया। तो यही है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी मीथेन को क्या है एटमोसफेयर में छोड़ते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड वेस्ट कंटेंट्स हो गया, तो 60% का लगभग इस इनके कारण इंक्रीज हुआ है, तथा एंड 40% हुआ है फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। तो मीथेन इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस, बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, जो सेकंड कंट्रीब्यूटर है ह्यूमन का आफ्टर CO2, CO2 के बाद में सेकंड कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि ह्यूमन के द्वारा मतलब ह्यूमन काज है एक तरह का।
नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट एक्ट 1971, और ये प्रशांत भूषण जी का केस, अभी आप देख रहे हो सीनियर वकील है प्रशांत भूषण जी, उनका केस अभी जो इस पे उन पे कोर्ट ऑफ कंटेप्ट का केस लगाया गया था। क्यों लगाया गया था कि आपको पता है अभी कोरोना वायरस के चलते सब कुछ कोर्ट वगैरह बंद है, और जब सीजीआई ये बाइक एक बीजेपी नेता की ये बेटे की बाइक है किसी की बाइक पे, जब ये चीफ जस्टिस बोबड़े साहब बैठे थे तो उन्होंने इन पे कुछ ट्वीट किए थे, तो उसी के चलते कोर्ट ने शू मोटो लेते हुए जो कोर्ट के जो अदर वकील्स हैं जो सॉरी अदर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने शो मोटो लेते हुए उन पर कोर्ट ऑफ कंटेप्ट लगा दिया। तो इसको बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और जो प्रशांत जो वकील है प्रशांत भूषण जी उनके बारे में भी हम, जो सीनियर एडवोकेट है उनके बारे में जो उनकी राय है वो भी हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेप्ट आर्टिकल उसको कंस्टिट्यूट कहाँ पे मतलब बताता है कि कोर्ट ऑफ कंटेप्ट ये सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है किसी के ऊपर, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकता है। तो आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंटेम्प्ट लगाता है, उसको कंटेम्प्ट करता है, उसकी मतलब इज्जत नहीं करता है, तो उस पर कंटेम्प्ट का मतलब एक केस लगा सकता है, पनिश कर सकता है। और सेम है आर्टिकल 215 रिलेटेड टू हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है आर्टिकल 215 के चलते। लेकिन आपको बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह क्या है, सबॉर्डिनेट कोर्ट आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगा सकता, लेकिन उनके बिहाफ ऑफ में जो मतलब लोअर कोर्ट है ना उनकी जगह है जो हाई कोर्ट होता है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। अगर आप ये मत सोचो कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें आप कुछ भी बोल दोगे, उसको आप मतलब ऑफेंसिव तरीके से कुछ कर दोगे, ये नहीं होगा, उसकी जगह पर हाई कोर्ट आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट कोर्ट में भी क्रिमिनल भी हो सकता है और सिविल अटेम्प्ट भी हो सकता है। जैसे क्रिमिनल तो आ गया, आप उसके डायरेक्टली उसकी जो प्रोसीडिंग है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, उसके कुछ मतलब उसके जो काम में हो आप बाधा डाल रहे हो, और सिविल में हो गया आप ही उसके अनऑफिशियली मतलब कुछ कुछ वक्तव्य दे रहे हो, तो ये भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। तो सेक्शन 2CI ऑफ CCA मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 2CI, ये याद रख लेना। मैं भी इस बार क्वेश्चन में, इस बार तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन भी मेंस में तो आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं आप सोचो ऐसे बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ मेंस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी आएगा, एजुकेशन पॉलिसी भी आएगी। तो वो क्या बोलता है, ये इसको क्रिमिनलाइज करने का कर सकता है, कि अगर आप क्रिमिनलाइज करेगा अगर आप ऐसा कहीं पब्लिकेशन करते हो जो कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है और उसकी अथॉरिटी को लोअर मतलब लोअर नीचे कर देता है, तो आप पे क्रिमिनल केस लगता है सेक्शन 2 ऑफ I ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्ट के द्वारा। तो अभी जो पेटिशनर है प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा है कि जो सेक्शन 2I ऑफ CCA वायलेटिव ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर 19, तो आपको ये भी बताया जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ना उसको हर चीज़ों में लागू नहीं करना है। कोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप सही हो तो अगर आप कुछ बात कर रहे हो तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नहीं माना जाएगा। तो आगे जो मेन जो बात है वो है प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा है कि टू अज्यूम CJI इज सुप्रीम कोर्ट, कि आप मानते हो कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेना और सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ मान लेना, ये तो कोर्ट को ही अंडरमाइन करना हो गया। कि ये नहीं है कि आप CJI को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट मान लोगे, क्योंकि ये जो पद होता है ये तो 2-3 साल 4 साल 5 साल के लिए रहता है। प्राइम मिनिस्टर को हम हमेशा देश का हमेशा सरताज नहीं मान सकते, वो बात है ना कि 5 साल बाद में तो वो चेंज हो जाएंगे। तो ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है CJI ही है और CJI ही सुप्रीम कोर्ट है, तो ये तो कोर्ट को अंडरमाइन करना हो गया। अगर ये तो उनका भी पर्सनल जगह, हर आदमी की अलग अलग चीज़ें होती है वो किस तरह किसी को रिफ्लेक्ट करता है, हर आदमी का फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस है। आज मैं कुछ बता रहा हूँ आपकी कुछ थिंकिंग अलग हो, तो कभी भी जब हम कुछ पढ़ाते हैं तो उसको आप एक हार्ड लाइन जो पत्थर की लकीर होता है ना वो लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं वो हर बंदे का अपना अपना कॉन्सेंस होता है, अपने दिमाग से तरीके से करता है। आंसर राइटिंग वही होता है कि आपकी फीलिंग क्या है उस चीज़ के प्रति, आप उस चीज़ को किस तरह समझ सकते हो, और UPSC यही चाहती है कि आप अपने जो दिमाग की उपज होती है ना उसको लिखें, ठीक है, और उसी से आपका पता लग सकता है। पढ़ाने में तो कोई भी पढ़ा सकता है आपको, मैं यहाँ पे नॉलेज दे सकता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को किस तरह सोचते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरी थिंकिंग नहीं है, मैं केवल आपको ये पॉइंट पॉइंट बता दूंगा, ये चीज़ें हैं, ये न्यूज़ घटी है, लेकिन सोचने का काम आपका है, तो आप हर चीज़ को रिलेट करना। तो अभी मैं ये बता सकता हूँ कि मैं तो ये कहूँगा कि प्रशांत भूषण जो थे वो सही थे, कुछ हद तक सही थे। अब आप उन्होंने क्या ऐसे कैसे लिखे थे कि जब जब माइग्रेंट वर्कर का काम मतलब बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनकी हालत ख़राब हो रखी थी और उस समय कोर्ट बंद हो रखे थे, मतलब सब कुछ बंद हो रखा था और उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और जब ये क्या जस्टिस बोबड़े साहब ऐसे किसी बीजेपी के नेता की बाइक लेके घूम रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ कहा कि सुप्रीम कोर्ट बंद पड़ा है लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इन्होंने ऐसे कुछ कमेंट किए थे और लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आपको पता है उस समय भी उनको ज़्यादा शो मोटो लेना चाहिए था, कि कोर्ट को ज़्यादा शो मोटो लेना चाहिए था कि
भाई माइग्रेंट वर्कर के लिए कुछ आप काम करो ऐसे। मार्केट कितने लोग परेशान हो रहे हैं आपको पता है? कितने थे चप्पल बिना खाना खाए लोग मुंबई से बिहार तक चल गए थे, तो उनकी भी कंडीशन है। तो ऐसे कुछ, और दूसरी बात, उन्होंने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ताना नहीं मारा था, ठीक है? उन्होंने जस्टिस बोबड़े साहब को कहा था, तो आप क्रिटिसाइज करना, अब हम रोज की रोज दुनिया में लगे रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग क्या है हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई कांग्रेस वाले करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले उनको करते रहते हैं। तो एक ये, और दूसरा तीन चीज़ें होती हैं सेपरेट, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये तीन ऑर्गन्स माने गए हैं, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हो गया। और भारतीय संविधान में ये भी लिखा गया है कि ये जो प्रोटेस्ट होती है, जो हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसे भी हो, और विरोध करना एक डेमोक्रेसी को बताता है। अगर तो हम विरोध, क्या सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर सकते क्या? एज पर अगर डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना भी एक डेमोक्रेसी का मतलब भाग है। तो हर चीज़ें कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाते, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बात ली जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपकी क्या ओपिनियन हो, तो मैं बताता हूँ। मेरे अनुसार तो अगर हमें क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ पार्ट है। आप कुछ चीज़ें दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी चीज़ें क्रिटिसाइज करने लायक नहीं है क्या? एक जो बहुत पहले डाकिया का केस था, जो डाकिया 50 पैसे कुछ ऐसे की एक डाक के चुराने में उसके केस लगा था, और उसने हालांकि जब उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बेटे बेटे सब कुछ बर्बाद हो गए, उसका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ उसके घर से खत्म हो गया, और लगभग 60 साल बाद में उसको केस से, कोर्ट से बाइज्जत बरी मिला, वो बाइज्जत बरी हुआ। तो उस केस का क्या मतलब, ऐसे कोर्ट का भी क्या मतलब, जब उस बंदे की पूरी जिंदगी खराब हो गई? क्या वो जिंदगी, क्या उसको अगर कंपेंसेशन दे दिया जाएगा, चाहे 1 करोड़ भी उसको कंपेंसेशन दे दिया जाए, तो क्या उसकी वो जिंदगी उस 1 करोड़ के बराबर ही नहीं है? मतलब क्या 1 करोड़ उसकी जिंदगी लिए अभी कोई मायने रखेगा जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया? कोई मायने नहीं रखा। बोल तो दिया जाता है कि इस कोर्ट में देरी इसलिए होती है कि कोई निर्दोष होता है ना, वो फंस ना जाए। तो आप निर्दोष में फंसने की कहाँ बात कर रहे हो, कि निर्दोष फंसे हुए हैं उनको आपने 60 साल तक क्या क्या नहीं किया? 60 साल तक तो आपने उसको मतलब कोई आपने उसको जस्टिस ही नहीं दिया है, तो फिर वो क्या, वो कहाँ तक बात है? आप जस्टिस आप 60 साल बाद में दे रहे हो। तो ऐसा क्रिटिसाइज, जो एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए, ये मेरे वर्ड से। आप क्या सोचते हो, आपकी बात अलग है, तो क्योंकि आपका वो यही है, यूपीएससी आपसे चाहेगी आप किस तरह किसी चीज़ को डील करते हो, आपकी थिंकिंग क्या है। तो मैंने बता दिया है मेरी चीज़ें, आप एक बार देख लेना, आप भी कुछ सोचना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी क्या है, जो मेंबरशिप ऑफ सोलर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको ग्लोबलाइज कर दिया गया, मतलब पूरे जो इसमें क्या बताया गया, यूएन के जो 192 मेंबर है, कोई भी 192 मेंबर वो इसका अभी एक पार्ट बन सकता है, भाग बन सकता है, इसको ज्वाइन कर सकता है अलायंस को। इससे पहले क्या था, जो जो ट्रॉपिको कैंसर और कैप्रिकॉन के उनके बीच की जो कंट्रियाँ थी वो इसका भाग हो सकती थी, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आती, वहीं पे ये सोलर अलायंस में ज़्यादा प्रभाव पड़ता, क्योंकि वहाँ से इससे बिजली ज़्यादा बन सकती थी। लेकिन अब क्या है, कोई भी देश, क्योंकि सूर्य उगता है, कोई भी देश जो 192 कंट्रीज है वो भी इसका पार्ट बन सकती है। पार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि वहाँ बिजली बनाना है, ठीक है? वो अपने व्यूज़ रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, बता सकता है, आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपना हाथ बटा सकता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, जॉइंटली लॉन्च किया गया था, ज्वाइंट के द्वारा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा ज्वाइंट लॉन्च किया गया था। वो क्या था, जो साइडलाइन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में पेरिस में, उसके उसके जो साइडलाइन में ये बनाया गया था कि इंक्रीज को, सोलर पावर को इंक्रीज करना है और कार्बन का लेवल को डिक्रीज करना है। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और रिसेंटली क्या है ये भी याद रख लेना, निकारगोवा जो इसका 87th मेंबर बना था। नेक्स्ट है आफ्टर EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, टाइम फॉर डायल्यूट NBWL। नाउ आपको पता है कि जब सब कुछ लॉकडाउन चल रहा था, सारे सब कुछ बंद था, तो हमारे एनवायरमेंट में ज़बरदस्त काम हो रहा था कि मैं एनवायरमेंट को काटते जाओ, गिराते जाओ, यही काम हो रहा था। उससे पहले क्या है, EIA जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डायल्यूट किया गया, कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिनको अभी EIA की स्क्रूटनी से जाना ही नहीं है, वो डायरेक्ट ही मतलब हो जाएंगे पब्लिक पोर्टल पर भी नहीं रखे जाएंगे, और वो मतलब काम करना शुरू हो जाएगा। अगर उनको क्या, असेसमेंट भी उनका बाद में किया जाएगा, आप काम शुरू कर दीजिए, जिससे बहुत एक्टिविस्ट भी मतलब उनका एनवायरमेंटिस्ट है, उन्होंने विरोध भी किया, और उनके खिलाफ क्या है, जो अनएक्टिविटीज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के प्रिवेंशन में भी क्या है, उनको धमकी देने लग गई कि ये काम है, तो ये बहुत गलत काम है एनवायरमेंट का, जो के लिए खराब काम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो एक हमने एक मिनिस्ट्री बनाई है ऐसे ही, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्पेशली एनवायरमेंट के लिए बनाई है, वो ही एनवायरनमेंट की जड़ें काटने में लगी हुई है इस बार COVID-19 के चलते हुए। और सबसे बड़ी बात है, COVID-19 हमें एक शिक्षा भी दे रहा है कि एनवायरनमेंट, नेचर के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन इंडिया में COVID-19 से बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है,
एनवायरनमेंट की जड़ें काटने में लोग लगे हुए हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात तो यही है कि वही मिनिस्ट्री काट रही है जिसको इसको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ईआईए का तो आपको पता ही है, अभी जो नए नॉर्म्स लागू हुए हैं, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1986 था, थोड़ा सा एक बार देख लेना, 86 को डायल्यूट करके फिर 1994 हुआ, उसके बाद अभी ये 2006 और एक अभी इसको डायल्यूट किया गया है, ताकि क्या है कि कोई भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को जरूरी है, इन्वायरमेंट के जो जो कुछ काम होना है, डेवलपमेंट काम होना है, उनमें इसको ईआईए के स्क्रूनरी की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसने क्या नोट कर दिया है कि उसको भी कुछ कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं उनकी जरूरी नहीं है, आप मतलब वहाँ से गुजारो। तो पहले क्या होता था कि एज पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अनुसार क्या था कि अगर कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी होती है इनसाइड ए सेंचुरी और नेशनल पार्क, कि अगर कोई भी नॉन फॉरेस्ट्री के जंगल के अलावा कोई भी कोई काम होता है जो एक सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर, उसको क्या है क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या है वो चाहिए होगा किसे, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL से, जो स्टैंडिंग कमेटी हो उनके रिक्वायरमेंट चाहिए। लेकिन अभी क्या है इसको डायल्यूट करके कर दिया कि मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, हास्यास्पद है, उल्टा मत ले लेना, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं एक व्यंग्य में कह रहा हूँ, ठीक है। तो NB, अब आपको बताते हैं, पहले तो ये NBW के एक ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है कि लोग के द्वारा बनाई गई है, एक्ट पास करके बनाई गई है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है, जो कि एडजुडिकेट करती है, उसका मतलब पावर कहाँ कहाँ पे है, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं, रोड डाइवर्सन हो गए, जो एनक्रोचमेंट हो गया प्रोटेक्टेड एरिया में और इको सेंसिटिव जोन में, उनको क्या है उनके जो मैटर हैं उनको एडजुडिकेट करती है। अब लेकिन अभी क्या क्या डाइल्यूट किया गया है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, स्केल नहीं स्केल, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट वर्क हो गया, जो कि लेस देन 20,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 20,000 स्क्वायर मीटर से नीचे का जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, और 25 मेगावाट की कैपेसिटी से नीचे का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया उसको अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर जो है बोर्ड है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसकी मतलब सहमति की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा काम किया गया है। तो आप देखना कि एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आ सकता है। तो जैसे मैं बताया था ना कि दो तीन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इनके जो GS2 के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपकी थोड़ी सी NBWL के बारे में बता देते हैं, जैसे मैंने ये बताया स्टेचुरी बॉडी है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई थी। तो NBWL जो मेन बॉडी है इसको चेयर करते हैं श्री जो सॉरी अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो चेयर करते हैं, और जो यहाँ पे किया आया था कि जो इसको रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब अगर कोई भी नेशनल पार्क में कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी की मतलब रिक्वायर क्लियरेंस चाहिए, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी को चेयर कौन करते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये प्रकाश जावड़ेकर साहब लगे हुए हैं अभी, पर जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, अभी फॉरेस्ट की और एनवायरनमेंट की जड़ें काटने में लगे हैं, क्लाइमेट चेंज अपने आप थोड़े दिनों में हो जाएगा। और एक नई इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि अभी पहले नेपाल जो अपना पॉलिटिकल मैप चेंज कर रहा था, और अभी पाकिस्तान भी अपना पॉलिटिकल मैप चेंज कर रहा है, और तथा वो वर्ल्ड जो फोरम है वहाँ पर रखने जा रहे हैं। तो नेपाल ने आपको पता है नेपाल ने जो लिपू लेक काला पानी और जो लिपिया धुरा है जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटरी, उनको अपने मैप में पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड कर लिया आफ्टर जो 8 मई में जो जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर था डिफेंस मिनिस्टर थे उनने 80 किलोमीटर की एक जो हाईवे प्रोजेक्ट वहाँ पे ये लिपिया धुरा काला पानी के पास वहाँ पे लॉन्च किया था, मतलब इनोग्रेट किया था। उसके बाद ये नेपाल ने अपना नया मैप क्या है कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ पारित किया, और अभी पाकिस्तान ने ही इमरान खान साहब ने ये नया मैप पारित किया गया। तो अभी देखते हैं नए मैप पाकिस्तान के नए मैप में क्या है। तो अभी पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप में उसमें क्या गया, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा भाग अपने हिस्से में हड़प लिया है। हड़प तो क्या लिया, मतलब हम भी वही है पेंसिल हमारी कॉपी हमारी, जो कुछ चाहे हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने वो क्या किया है कि भाई साहब कॉपी उनकी पेन उनका, उन्होंने क्या है हम इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर भी अपनी टेरिटरी में एक लाइन खींच दी है कि ये हमारा हिस्सा है, और कुछ पार्ट गुजरात के भी उन्होंने ज्वाइन कर लिए कि ये भी हमारे पार्ट है। तो इंडिया ने हालांकि उनको क्या है डिसमिस कर दिया है कि एक रेडिकुलस असर्टेशन है, जैसे तो मतलब एक हास्यास्पद है, कोई भी कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि भाई कॉपी हमारी पेन हमारा हम कुछ भी करें, तो यही इंडिया ने डिसमिस कर दिया है। ये एक पॉलिटिकल जो मूर्खता है, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल मूर्खता है ये, आप क्या है जो जियो पोलिटिकल जो चीज़ें हैं ना उसमें क्या है अस्थिरता मतलब पैदा करना हो गया एक तरह का, और अनटेबल कोई मतलब कोई मतलब का ये क्लेम है, कोई मतलब का क्लेम नहीं है, इंडिया ने मतलब इसको नकार दिया है। तो उन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने कि लाइन कंट्रोल थी जो LOC थी उसको एक्सटेंड कर दिया, काराक्रम पास से भी दूर हटा दिया है, तथा सियाचिन को पूरा का पूरा अपना पार्ट बना दिया है पाकिस्तान को, मतलब पूरा का पूरा सियाचिन पार्ट पाकिस्तान का है जो जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है।
तो अभी क्या उन्होंने क्या लिखा है जे एंड के में, उसने मैप में लिख दिया, मतलब साफ साफ लिखा है उन्होंने इतना किया है, तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने उदारता भी दिखाई बोलते जाए तो उन्हें क्या किया, जे एंड के को क्या डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है और कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिजोल्यूशन आएंगे उस तक इंतजार करेंगे। तो भाई पहले तो वैसे ही पड़ा था, जरूरत क्या थी जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के आने। तो और गुजरात में क्या किया उन्होंने, गुजरात में जो मैप शो किया उसमें क्या इंटरनेशनल बॉर्डर क्या किया है, उसमें जो सर क्रीक लाइन है वो पाकिस्तान क्या करा है, जैसे सिर क्रीक लाइन है, मैं नीचे आगे मैप में दिखाऊंगा, तो ये एक पानी का जो दर्रा है उसमें एक वेस्टर्न लाइन है और एक ईस्टर्न लाइन, तो पाकिस्तान कह रहा है कि ईस्टर्न लाइन हमारी है और भारत को रहा है वेस्टर्न लाइन हमारी है, तो पाकिस्तान ने ये मैप क्लियर कर दिया और ईस्टर्न लाइन को बोल दिया इसके इधर का हमारा हिस्सा है, तो ये बात हुआ है। तो उन्होंने क्या अभी रिसेंटली क्या किया है, एक इस्लामाबाद में जो एक रोड थी उसका नाम था कश्मीर हाईवे, तो उस कश्मीर हाईवे को नाम चेंज करके श्रीनगर हाईवे कर दिया। बात तो बराबर ही क्या हो गया, कश्मीर हाईवे भी तो कश्मीर भी पड़ा रहता, श्रीनगर हाईवे कर दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने किया है, थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं मैप में, देख लेते हैं, तो ये है जो पाकिस्तान का नया मैप, तो पहले पाकिस्तान का ओरिजिनल मैप ये है, देखिए ये था, और उन्होंने थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो POK जो ऑक्यूपाइड कर रखा था उनसे उनका ये ऐसे बन जाता था, ठीक है, ऐसे मैप बन जाता था, ऐसे मैप बनता था उनका। और अभी क्या है उन्होंने जो ये टेरिटरी है जो डिस्प्यूटेड लिख दिया है ये आप भी देख चुके हो, और उस टेरिटरी को इतना आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, फ्रंट लाइन को यहाँ तक बढ़ा दिया, काराक्रम से पास करके ये बढ़ाया है यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा देखना लेना कि जे एंड के का जोड़ा है, और दूसरा है यहाँ पे जो रन ऑफ कंस है इसके पास जो ये एरिया है ना वहाँ पे, ये अगली स्लाइड में देखेंगे, ये है जो जो सर क्रीक लाइन है, तो उसमें जो ये एक तो रेड डॉट होगी, ठीक है, तो ये इंडिया बोलता है कि ये यहाँ तक है, लेकिन ये एक बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और पाकिस्तान ने ये ग्रीन डॉट लाइन को जो ईस्टर्न साइड है उसको बोल दिया है कि ये हिस्सा है, और इसको भी अपने नाम में अपने मैप में चेंज कर लिया है। तो भाई पे चेंज करने में कौन मना सकता है, कोई भी चेंज कर लो, हम नहीं मना कर सकते। तो चलो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, बुक स्वच्छ भारत क्रांति जो हिंदी वर्जन ऑफ, जो बुक स्वच्छ भारत क्रांति थी वो हिंदी वर्जन, कौन सी बुक का हिंदी वर्जन है, जो कि श्रीमती स्मृति ईरानी और जो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया है। दूसरा है ग्लोबल मिथेन बजट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो इसका भी आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। एज पर ग्लोबल मिथेन बजट मिथेन इज इंक्रीज, 2006 से लेकर 2017 के बीच में मिथेन का लेवल कितना इंक्रीज हुआ ये पूछा गया है। पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत मतलब बताया गया है, और हाई कोर्ट के द्वारा नीचे वाले में कौन से आर्टिकल के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर NBW नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कौन से अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कौन सी बॉडी है, मतलब आपको पूछा गया है कि बॉडी है मतलब कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, या और कुछ ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये आपको पूछा गया है। और नेशनल वाइल्ड लाइफ चेयर वाइज जो NBW है किसके द्वारा चेयर की जाती है, और स्टैंडर्ड कमेटी किसके द्वारा चेयर की जाती है, तो ये आपसे पूछा गया है। सर क्रीक लाइन मेक बाउंड्री ऑफ टू नेशन, जो सर क्रीक लाइन है कौन से दो देशों की बाउंड्री बनाती है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, आप न्यूज़ का PDF डाउनलोड कर सकते हो skventure.blogspot.com पे, आपको यहाँ PDF मिल जाएगा हमारे न्यूज़ के नीचे ही। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो नहीं अच्छा लगा तो कन्फर्म आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे जो आज क्वेश्चन पूछे उसके आंसर के साथ, नई न्यूज़ के लिए नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।